वेलकम बच्चों, अब हमारा लास्ट टॉपिक आपके सामने आ रहा है। क्या? वर्ड प्रॉब्लम्स। इसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये वर्ड प्रॉब्लम्स आप अभी सीख जाओगे अच्छे से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप सभी को अलग अलग तरीके से देखेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नंबर बेस्ड क्वेश्चन हमने क्या कर रखा है, इन सभी क्वेश्चंस के लिए पार्टीशन कर रखा है ना। तो आपको क्या है, समझने में दिक्कत नहीं आएगी, तो आपके नोट्स सही तरीके से आप बना लेना। नाउ मान लो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8। कोई भी दो नेचुरल नंबर है, उन दोनों का सम कितना दे रखा है, 8। एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स मतलब उनका रिवर्स है ना, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, 8/15। तो वो नंबर्स क्या हैं, तो हमें इसमें क्या है, दो अननोन नंबर्स हैं, है ना, दो नेचुरल नंबर्स हैं जो हमें निकालने हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले उन दो नंबर्स को कुछ मानना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बी वाई। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलो, आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में बताना होगा कि आप एक्स और वाई क्या मान रहे हो। अब एक्स और वाई मानने के बाद क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इन दोनों का नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 8 है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई कि इन दोनों नंबर्स का सम कितना है, 8 है। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8, तो x प्लस वाई क्या हो गया, 8 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन पे आओ, है ना, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, उनका अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए और फिर सम किया जाए तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, और y का 1/y। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनाओगे कि इनके रेसिप्रोकल का सम यानी कि 1/x प्लस 1/y कितना है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट, x प्लस y 8, और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके कैसे भी करके x और y निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा कि कैसे भी करके आप क्या करो, x और y निकालो, ओके। अब हम इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहा हूँ। इक्वेशन वन क्या है, x प्लस y इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ से y निकालो कितना आया, 8 माइनस एक्स, ये वाई यहां रख दो, कहां पे, सेकंड इक्वेशन में। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना तो आ गई है ना, अब हम उसका लेवल और बढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, तो उसमें क्या अलग अलग तरह की इक्वेशंस बनेंगी, उन सबको अब सॉल्व करना आपको सीखना है। तो आपने क्या करा, यहां से वाई निकाला फर्स्ट से और सेकंड में रख दिया, रख दो 1/x प्लस वाई की प्लेस पे क्या आएगा, 8 माइनस एक्स इक्वल में क्या है, 8/15, है ना। अब क्या करूंगा, मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x इंटू 8 माइनस एक्स, इस 8 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इधर होगा और इस x का मल्टीप्लाई इधर, 8 माइनस एक्स का इधर 1 में मल्टीप्लाई हो गया, x का इधर 1 में हो गया, डिवाइड में x इंटू 8 माइनस एक्स हो गया, इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 8/15। देखो x x तो कैंसिल हो गया, हो गया, ये 8 से 8 भी कैंसिल हो रहा है, चलो बाद में कर देंगे, फिलहाल x x कैंसिल हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 15 का इधर और इन दोनों का उधर, ठीक है, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 15 इधर आया, 8 लिखा हुआ था ऑलरेडी,
एक्स तो कट चुका है ना, तो 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 15 इधर आया, इन दोनों को भी उधर भेजो। 8 तो लिखा हुआ है, क्या बचा? एक्स इंटू 8 माइनस एक्स, देख लो ध्यान से, अब कर दो कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल आउट, क्या बचा? 15 इक्वल्स टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को लेफ्ट मिलाओ, ये बनेगी क्या ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वल में जीरो है तो क्या कहते हैं इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट, इसके जीरोस निकालने के लिए क्या है मिडिल टर्म स्प्लिट, थ्री और फाइव है, 3 5 जा 15, क्या बना 0 जीरो होगा या फिर एक्स माइनस 3 जीरो होगा या फिर एक्स माइनस 5 जीरो होगा, है ना, तो क्या मिला एक्स 3 या फिर एक्स 5। जब एक्स 3 होगा और मैं इसे यहां पर रखूंगा तो वाई कितना आएगा, 5, और जब एक्स 5 होगा तो वाई कितना आएगा, 3। तो पहला और दूसरा नंबर क्या है, या तो 3 और 5 है या फिर 5 और 3 है, तो आंसर में लिख देना, वन नंबर इज 3, सेकंड नंबर इज 5, ये आपको और मेंशन करना है, वन नंबर इज, वन नेचुरल नंबर इज 3 एंड सेकेंड वन इज 5। ये आप एंड में लिखोगे कि आपके जो दोनों नेचुरल नंबर्स है वो क्या है, एक तो 3 है और एक 5 है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, वेरिएबल को कुछ मानना पड़ेगा, सेकेंड चीज क्या है, इक्वेशन बनाना पड़ेगी, और थर्ड सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूँ। इन तीनों को मिक्स करोगे तो आपका ये क्वेश्चन निकाल लोगे, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड देयर डिफरेंस इज 10, फाइंड द नंबर। अब इन क्वेश्चंस को क्या है ना, आप खुद पहले ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन को देखो, है ना। अब हमें एक्स और वाई कुछ ना कुछ मानना है, तो सॉल्यूशन में मैंने माना, लेट द, उनका डिफरेंस 10 है ना, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, के सबसे बड़ा नंबर जो है उसे क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एंड स्मॉलर नंबर को क्या मान लिया, वाई मान लिया, कि भैया हमारा जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो क्या है, एक्स है, और छोटा वाला नंबर वाई है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 50, फर्स्ट इक्वेशन, दोनों का सम कितना है, 50 है, एक्स प्लस वाई 50, राइट, आगे बढ़ो, उनका डिफरेंस कितना है, 10 है, डिफरेंस मतलब समझते हो ना, डिफरेंस एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो बड़ा कौन माना आपने, x, तो x में से अगर मैं y को माइनस कर दूं तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ये क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन, है ना। अब बड़ा ही आसानी से करना, किससे करूं, एलिमिनेशन, y से y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, इधर 50 प्लस 10 60, x कितना आया 30, इस x 30 को यहां रख दो, कितना मिला,
क्या मिल गया? बड़ा नंबर 30, छोटा नंबर 20. कोई दिक्कत नहीं है, आसान था, है ना? नोट डाउन कर लो इसे. एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं बच्चों. ये क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है, नहीं आता है तो डाउट में पूछना है. पढ़ देता हूं एक बार. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000. दो नंबर्स का सम करोगे तो क्या आएगा? 1000 आएगा. एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 448, है ना? 448. आपको वो दोनों नंबर्स बताना है. ऐसे ही करना है जैसे मैंने दो क्वेश्चन सिखाए. अब हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं. ओके, बी टाइप क्या होगा बच्चों हमारा? फ्रैक्शन प्रॉब्लम. मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है. ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? फ्रैक्शन प्रॉब्लम. हमें सीखना है कि फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे करना है. क्वेश्चन क्या, एक बार पढ़ देता हूँ. द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8. यानी कि एक फ्रैक्शन लिखा हुआ, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है? 8 आ रहा है. अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1-1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 2/3 बन जाएगा. कैसे करोगे देखो ध्यान से, ठीक है? बड़ा ही आसान है करना, पर करने से पहले हम आपको दो चीजें बता रहे हैं, उन दो चीजों का ध्यान रखना. सबसे पहला काम, x और y क्या मानोगे? न्यूमरेटर को क्या माना?
एक्स, डिनोमिनेटर को वाई। ये फिक्स होगा कि फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है तो आपने क्या करा, न्यूमरेटर को एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर को वाई मान लिया, फ्रैक्शन क्या हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया ना बच्चों, न्यूमरेटर एक्स डिनोमिनेटर वाई, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, एक्स अपॉन वाई। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये तो आपको करना ही था। फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी कि एक्स प्लस वाई कितना है, 8। आई डोंट थिंक आपको फर्स्ट इक्वेशन बनाने में कोई परेशानी आई होगी, सिंपल है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। अगला स्टेप, अगर 1 दोनों में ऐड किया जाए, किसमें, इसमें भी 1 ऐड करा, इसमें भी 1 ऐड करा, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 2/3। देख लो ध्यान से, अगर न्यूमरेटर को एक बढ़ाया यानी कि न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करा, है ना, तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाना चाहिए, 2/3 बन जाना चाहिए। आई दूसरी इक्वेशन कैसे बनी, आएगी, आप वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कैसे बन रहा है इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करो, इसे सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर, y प्लस 1 का उधर, 3 का करो मल्टीप्लाई, 3x प्लस 3 इक्वल 2y प्लस 2, क्या बनी इक्वेशन, यही हमारी सेकंड इक्वेशन है। यानी कि मैंने क्या करा, इसी को जो इक्वेशन को लिखा इसे सिंप्लीफाई कर लिया, यहां तक पहुंच गए। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है ना, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, आप चाहो तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, एलिमिनेशन से कर रहा हूं, इसमें क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई करा, इसमें क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगी, 2x प्लस 2y इक्वल 16। देख लो ध्यान से, इसको क्या करा, ऐड करा, ऐड करोगे तो 3x प्लस 2x 16 माइनस 1 15, x कितना आया, 3। इस x को कहां रख दो, फर्स्ट में रख दो, तो y कितना आएगा, 5। क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रैक्शन, अच्छा पूछा तो कुछ है ही नहीं, पूछा है कुछ, फाइंड फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालना है कि फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। एक्स मिल गया, वाई मिल गया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एक्स अपॉन वाई, एक्स कितना है, 3, y कितना है, 5। देख लो ध्यान से, आई होप समझ में आया होगा। स्टार्ट ऐसे करोगे, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो ये 3 बातें तो फिक्स हैं, फिर आप क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाओगे, फिर सॉल्व करना आपको अब आ जाना चाहिए, ठीक है। इसे भी लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं, ये दो क्वेश्चंस आप होमवर्क में करोगे, ये वाला क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ, तो इन दो क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ मैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सम कितना है, 12 है। अगर डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, अगर डिनोमिनेटर को 3 बढ़ाया, द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, फाइंड द फ्रैक्शन। अगला, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11, कब,
इफ टू इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड करता हूं तो 9/11 बन जाएगा, अगर 3 ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा 5/6, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करता हूं तो 5/6 बनेगा। फ्रैक्शन निकालना है, ये दो क्वेश्चन आप करोगे, ये फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूं, ओके इसे लिख लेना बच्चों, देख लो आप, ओके आप जल्दी से ये क्वेश्चन पढ़ो जो लिखा हुआ है टॉप पे। आई होप पढ़ लिया होगा। देखो अगर 1 ऐड किया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 4/5। तो सॉल्यूशन, लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y, फ्रैक्शन इज x/y। अगर दोनों में 1 ऐड करूं, किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। देख लो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1-1 ऐड करा तो क्या हो गया, फ्रैक्शन क्या बन गया 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, ये हमारी क्या है फर्स्ट, इसको भी उधर ही भेज देते हैं। इस 5x को उधर भेजा, आपकी इच्छा आप जैसे चाहो वैसे करो, तो 5x को उधर भेजा, -5x, 4 को इधर लाए, 5-4 1, ये हो गई फर्स्ट। आगे पढ़ो क्वेश्चन, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, यानी कि दोनों से क्या करा 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रैक्शन क्या बनेगा हाफ, फ्रैक्शन क्या बन गया हाफ बन गया, कर दो मल्टीप्लाई, वाई को इधर ले आओ, 10 को उधर भेज दो, ये हो गई भैया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेना बिकॉज मैं सॉल्व करने के लिए इसे इरेज करूंगा। आपको इक्वेशन समझ में आ गई तो बस काम हो गया, सॉल्व करना तो आप लोगों को भी आता है ना। ठीक है, इसे हटा रहे हैं हम यहां से, क्या क्या इक्वेशंस हैं उधर से, चलो इन दोनों को सॉल्व कर लो बच्चों। मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी जरूरत है इसको करने के लिए, फिर भी चलो देख लेते हैं एक बार। क्या करूं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, कारण एलिमिनेशन से हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कट जाएगा 4y से 4y, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसको सेम रहने दो, करो कितना आया 8x-4y 20, देख लो। ठीक है, ऐड करो 4y से 4y कैंसल, 8x-5x 3x, 1+20 21, x 7, कहाँ रखो, कहीं पे भी रख दो, इसमें रख दिया, कितना बना भेजो, कितना आया y 9। ठीक,
तो फ्रैक्शन क्या हो गया? x अपॉन y, x कितना है 7, y कितना है 9, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं इन्हें आपको करने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा, है ना। सिंपल सा ट्रिक है, एक्स और वाई को कुछ ना कुछ मान लो, फिर इक्वेशंस बनाओ और सॉल्व करने की प्रैक्टिस अभी तक हो जाना चाहिए, बिकॉज हम चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर हैं। अभी भी दिक्कत है तो जाकर उन मेथड्स को पढ़ो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मेनली तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन को कर देते हैं। अब इक्वेशंस बनाएंगे हम अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स की, लेवल और बढ़ेगा, अब थोड़ी और हार्ड प्रॉब्लम्स आने वाली तुम्हारे सामने। अभी तक जितना समझाया है वो क्लियर होना चाहिए, वरना आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लेना, थैंक यू।